खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की गई। पूरा मामला ओरछा रोड थाना अंतर्गत ग्राम रिक्शापुरवा के पास का है, जहां युवक को तीन लोगों ने गोली मारी। घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। एसपी अगम जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ओरछा रोड थाना अंतर्गत गोलीबारी की घटना में विक्रम सिंह बुंदेला नामक युवक घायल हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है और शीघ्र ही आरोपियों को राउंड अप किया जाएगा। डजी राजा और बॉबी राजा, रजव राजा और राशि, हम अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे। हम घर से अपने ड्यूटी पे जा रहे थे, हाँ, कलानी से। हाँ, कारण हमारा लड़ाई झगड़ा, उन्होंने हमको रोका और ना हमको गोली चलाई, तो उनके मैं सो गए। फिर डग्गी राजा ने हमको गोली मारी, छाती में मारी, तो हमने उसको लपड़ पड़े, तो हाथ मारा तो पैर में लग गई मारे। ओरछा रोड थाना अंतर्गत एक गांव में इस प्रकार की घटना सामने आई है, तो अभी पूछताछ की है, बात की है, आरोपियों के नाम सामने आए हैं और शीघ्र ही हमारी टीम कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करेगी। पैर में जांग के पास में गोली लगना भी पता है, पट्टी चढ़ी हुई थी, तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे इलाज किया है, तो हम लोग भी तस्दीक कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया हमारी टीम पूरा चेक कर रही है, संभवतः 3 आरोपी हैं और कार्रवाई कर।